आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। हालेलुया, हालेलुया, हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, मुस्कुराकर बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की ओर देखते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, सन्मती का सुसमाचार अध्याय 21 में हमें प्रभु यीशु के बारे में पता चलता है, जो कि यरूशलेम में बड़ी ही शान के साथ एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। और उस समय क्या होता है, एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताना चाहूँगी। प्रभु यीशु बहुत ही रहस्यमय है। प्रभु यीशु जब बेथानिया में रुकते हैं और दूसरे दिन सवेरे शहर की ओर जाते हैं, तो उस समय उन्हें रास्ते में एक अंजीर का पेड़ मिलता है। उन्हें बड़ी ज़ोर से भूख लगती है और वे उस अंजीर के पेड़ पर फलों को ढूँढते हैं। क्या ढूँढते हैं? फलों को ढूँढते हैं। प्यारे विश्वासियों, ये वो मौसम नहीं था जब उस अंजीर के पेड़ पर फल उत्पन्न हो, पर फिर भी प्रभु उसमें फल ढूंढते हैं। हमें इस दृष्टांत से क्या समझ में आता है? प्रभु ये कहना चाहते थे कि मेरे मृत्यु का समय नहीं था, पर फिर भी वे हमारे लिए, जैसा कि वचन हमें बताता है कि जब हम पापी थे, जब हम अधर्मी थे, उसी समय प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भले ही अच्छा समय हो या बुरा समय हो, पर प्रभु हमसे कहता है कि हमें हर समय फल उत्पन्न करना है, क्योंकि यह कार्य सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा, अगर हम उसमें भरे हैं तो वही यह कार्य कर सकता है। तो आइए विश्वासियों, आज के इस आराधना में, प्रेज एंड वर्शिप में हम अपने आप को समर्पित करें और फल उत्पन्न करने के लिए विशेष आग्रह करें, पवित्र आत्मा का अनुग्रह मांगें, ताकि वह हमें अपने सातों वरदानों से भर दे। जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, हम उस समय परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करने वाले हो सके, उसके लोगों के लिए फल उत्पन्न करने वाले हो सके, आत्माओं को बचाने के लिए फल उत्पन्न करने वाले हो सके। आइए भक्तिपूर्वक हम इस गीत को गाएं। हम प्रभु की ओर देखते हुए बड़ी ही आशा के साथ प्रभु से हम मांगे, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। फिर से गाएं, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जहाँ नमी नहीं हो, फल उत्पन्न करो, फल
फल उत्पन्न करो, जहाँ सूखी भूमि फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जहाँ नमी नहीं हो, जहाँ सूखी भूमि, जहाँ नमी नहीं हो, जहाँ सूखी भूमि फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, एक संगाय फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जहाँ धैर्य ना हो, जहाँ अपने गैर हो, जहाँ धैर्य ना हो, जहाँ अपने गैर हो, फल उत्पन्न करो, मिलकर गाए फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जहाँ आशा ना हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जहाँ सिद्धता ना हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जहाँ आशा ना हो, जहाँ सिद्धता ना हो, जहाँ आशा ना हो, जहाँ सिद्धता ना हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जहाँ विश्वास ना हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, जहाँ प्रार्थना ना हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जहाँ विश्वास ना हो, जहाँ प्रार्थना हो, जहाँ विश्वास ना हो, जहाँ प्रार्थना हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न, पूरी आस के साथ हम गाए फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जहाँ बिगड़े हो सब काम, फल उत्पन्न करो, जहाँ बिगड़े हो सब काम, फल उत्पन्न करो, 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 जहाँ विभ्रांति हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जहाँ बीमारियाँ हो, फल उत्पन्न करो, जहाँ बीमारियाँ हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न, प्रभु की स्तुति करते हुए गाए फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, हाथों को उठाते हुए गाए फल उत्पन्न करो, हाथों को लहराते हुए गाए फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न, जोर से प्रभु की स्तुति करते हुए गाए उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, जोर से गाए फल उत्पन्न करो, ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न, प्रभु से मांगिए इस वक्त पवित्र आत्मा की देन मांगिए, उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक पर होने पाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए इस वक्त, प्रभु आपको इस वक्त भर रहा है, अपनी आत्मा से भर रहा है, आपके घरों में वह प्रवेश कर रहा है, वक्त आप उससे मांगिए वो आपको जरूर दे रहा है, आप उससे मांगिए बिना किसी हिचकिचाहट के, आप उससे मांगिए विश्वास के साथ, आप मांगिए प्रभु से, आप मांगिए कि वह आपको यह अनुग्रह दे कि आप फल उत्पन्न करें प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु जोर से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, घुटनों पर आ जाए, अपने हाथों को फैलाते हुए, अपने हाथों को सीने पर लगाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, यस लॉर्ड, भर दीजिए, फिल अस लॉर्ड, अपनी पवित्र आत्मा
आत्मा से हमें भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 आराधना आराधना साथियों, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु की आशीष कृपाओं के लिए, इस पवित्र समय के लिए, इस अनुग्रह के समय के लिए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने कानों को प्रभु को समर्पित करें, अपने विचारों को प्रभु को समर्पित करें, अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु कुछ बोलना चाहता है। He wants to communicate something to you today. Listen to him, उसकी वाणी को सुने। आइए हम आज प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 1 से लेकर 10 तक। यीशु यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जकेयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें देख नहीं सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जकेयुस से कहा, जकेयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहां ठहरने गए। जकेयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे साथियों, जकेयुस की जो घटना है संत लूकस के सुसमाचार में एक अलग ही पहचान रखती है। अन्य सुसमाचारों में हम इस घटना को नहीं पाते हैं, संत लूकस ही हमारे सामने से रखते हैं। जकेयुस एक प्रमुख और धनी व्यक्ति था। उसका स्पेसिफिकेशन देखिए, एक प्रमुख और धनी। धन दौलत में किसी बात की कमी नहीं थी, आरामदायक जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, संसाधनों में कोई कमी नहीं थी, संपन्न परिवार से था, क्योंकि एक अच्छी नौकरी कर रहा था, सरकारी जॉब था, और वो विदेशी सरकार के लिए काम कर रहा था, अच्छा पैसा कमा रहा था, सब कुछ था, लेकिन कुछ तो खाली था। पूरा घर परिवार भरा पूरा था, लेकिन अंदर कुछ खाली था, अंदर कुछ अधूरापन था, और उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए एक भूख थी, एक प्यास थी। उस तृष्णा को लिए वो उस गुलर के पेड़ पर चढ़ता है, यह देखने के लिए कि कोई तो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं सुनता हूं, उसके प्रवचनों को मैंने सुन रखा है लोगों के मुख से, उनके चमत्कारों को देख रखा है कि वो जिंदगी बदलता है, जरा मैं भी तो देखूं। और जब वो इस चाह से उस पेड़ पर चढ़ता है, मेरे साथियों, प्रभु
को वो पा जाता है। संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 19 उसके वचन 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, धनी लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु ने धनियों के बारे में इस प्रकार की बात कही है। एक अन्य घटना हम पढ़ते हैं जहां पर एक धनी युवक प्रभु से कहता है, प्रभु के पास आकर उनसे कहता है कि मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं, मुझे परिपूर्ण बनने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा आज्ञाओं का पालन करो। वो कहता मैं आज्ञाओं का पालन करते आ रहा हूं, मैं अच्छा जीवन जीता हूं। प्रभु कहता है अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दान कर दो, तब आकर मेरा अनुसरण करना। प्यारे साथियों, वह व्यक्ति उदास मुंह चला जाता है। तो इस धनी जक्कयुस के लिए उद्धार की कोई संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि धन ईश्वर के राज्य के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए उद्धार की कोई संभावना नहीं थी, वो न केवल खुद को बचाता है लेकिन अपने पूरे परिवार को बचाता है। प्रभु अंत में कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। प्यारे साथियों, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु के लिए बेताब होना जक्कयुस हमें सिखलाता है। प्रभु के लिए बेताब होना, प्रभु के लिए तरसना। साथियों, हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 के वचन 29 में, यदि तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे तो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सारे मन और सारी आत्मा से ढूंढोगे। हालेलुया। जब तुम अपने सारे मन और सारी आत्मा से प्रभु को खोजोगे तो प्रभु को तुम पाओगे। प्यारे विश्वासियों, वैसे ही नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 29 के वचन 14 में हम पढ़ते हैं, 13 व 14 में, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। साथियों, प्रभु को ढूंढने वाली आंखें, प्रभु के लिए तरसने वाली आंखें उन्हें पा जाती है। प्रभु कहते हैं ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। क्या आपके जीवन में खालीपन है और आप ढूंढ रहे हैं, आप तलाश रहे हैं संतुष्टि को, आपके अंदर एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, एक अधूरापन है, एक टूटापन है, एक बिखरापन है, आप दुखी हो, आप उदास हो, आप निराश हो, आपके जीवन में आपको उम्मीद नहीं दिख रही है, आप हताश हो गए हो, आप जीवन से हार गए हो, आपके परिवार में अशांति है, आपके परिवार में बीमारियां हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपके परिवार में बुराइयां हैं, लोग शराबी हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दुनिया वाले तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, सब प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए लोग गुलर के पेड़ पर चढ़िए। प्रभु को निहारने के लिए, उद्धारकर्ता को देखने के लिए, उद्धारकर्ता से मिलने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़िए। और जब आप अपने आप को उस गुलर के पेड़ पर पाएंगे, एक जिज्ञासा भरा हृदय लेकर, ईश्वर से मिलने की चाह लेकर, जब आप अपने आप को वहां पाओगे, प्रभु की निगाहें तुम्हें जो ढूंढती है वहां पा लेगी। हमारा प्रभु हमें खोजने वाला ईश्वर है। प्रभु ने कहा है कि मैं जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु जो खो गया है उसे बचाने, उसका उद्धार करने आए हैं। वो कितनी ही बार हमारे घर से होकर गुजर जाते हैं,
वो कितनी ही बार हमारे जीवन से होकर गुजर जाते हैं, वो कितनी ही बार इस दिल के करीब होकर गुजर जाते हैं। पवित्र संस्कार में जब उसे ग्रहण करते हो, सच्चे दिल से नहीं बुलाया, वो आएंगे, गुजर कर चले जाएंगे। ज़कयूस की तरह जब तक आपने प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने घर में नहीं लेकर गए, प्रभु यीशु को अपना मेहमान नहीं बनाया, अपने घर में उन्हें नहीं ठहराया, वो शांति नहीं मिलेगी, वो मुक्ति नहीं मिलेगी, वो उद्धार नहीं मिलेगा। प्यारे साथियों, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वचन 20 में प्रभु का वचन कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु दरवाजे पर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं। प्रभु ने ज़कयूस के दरवाजे पर खटखटाया, कहा, ज़कयूस आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, आज जल्दी नीचे आओ क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। वो आज मुझसे कहते हैं, फादर प्रीतम आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। बाद की बात नहीं है कि मैं कल आऊंगा, कि मैं कब आऊं, कब तैयार रहोगे, आप तैयारी कर लो, मैं आने वाला हूं, अगले सप्ताह आऊंगा, थोड़ा सफाई करके रखना। नहीं, मैं आज तुम्हारे घर आना चाहता हूं। टुडे आई वॉन्ट टू कम टू योर हाउस टू स्टे विथ यू। घर देखने नहीं, टू स्टे विथ यू, तुम्हारे साथ रहने के लिए। प्रभु मेरे साथ रहने के लिए मेरे पास आना चाहते हैं, मेरे जीवन में मेरे साथ ठहरने के लिए प्रभु मेरे जीवन में आना चाहते हैं, और मुझे इस निमंत्रण का जवाब आज देना है, अभी देना है, प्रॉम्प्टली, जस्ट नाउ, राइट नाउ आई हैव टू से यस लॉर्ड कम टू माय होम, यस कम इन टू मी, आ प्रभु तू मेरे अंदर आ, तू मेरे भीतर आ, तू मेरी जिंदगी में आ। और जब वो मेरी जिंदगी में आएगा, जब वो मेरी जिंदगी में आएगा तो परिवर्तन होगा, तो बदलाव होगा। मैं ज़कयूस की तरह का उठूंगा, प्रभु मैंने जितना भी धोखाधड़ी की है, मैंने जितने भी पाप किए, जितने भी बुराइयां की है, मैं आज छोड़ दूंगा। जितनों का नुकसान किया उनका मैं चौगुना लौटा दूंगा। मैं अब बदल गया हूं, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि तू मेरे अंदर आया है, मेरा उद्धार मेरे जीवन में आया है। मेरे साथियों, ये है सच्चा परिवर्तन, यही सच्चा मन परिवर्तन। प्रभु यीशु हमें इसके लिए आह्वान करते हैं, वो हमें बुला रहे हैं, वो हमें आज फिर से कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के खटखटा रहा हूँ, कोई यदि दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके अंदर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। क्या आप इस उद्धार के लिए तैयार हैं? क्या आप इस मुक्ति के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसे अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो आज अभी प्रभु से कहिए, यस प्रभु आइए, आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मुझे बदल दीजिए, मुझे पूरी तरह से बदल दीजिए, मुझे नया बना दीजिए। आमीन। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, विश्वास के साथ, पूरी प्रार्थना के साथ प्रभु की हम स्तुति करते हुए इस गीत को हम गाएं, पूरी भक्ति प्रार्थना में लीन होते हुए। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे, मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार करे हमारे शरीर में, नव जीवन संचार करे, मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासी, एफिसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 में कहता है,
कि यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आता है। हम बोले आमीन। आमीन। यीशु का लहू ही हमें रिहाई करता है। हम बोले आमीन। आमीन। यीशु का लहू ही हमें चंगाई प्रदान करता है। बोले आमीन। आमीन। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम यीशु के लहू में बुलाए नहीं जाते तो हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में कभी नहीं आ पाते, उस अगम्य ज्योति में हम कभी प्रवेश नहीं कर पाते। यह यीशु का लहू है जिसने हमें उस द्वार में हमें प्रवेश करने दिया है। हम प्रभु को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु की लहू की योग्यता से हम विशेष प्रार्थना करते हैं लोकेश के लिए। पैरों में दर्द, सूजन, पीठ और कमर दर्द और जोड़ों में दर्द के कारण वे काफ़ी समय से तकलीफ में हैं। उन्हें पूर्ण चंगाई मिले, यीशु का लहू उन्हें पूर्ण रूप से चंगा करने पाए। मार्गरेट टेट्टे के लिए हम प्रार्थना करें जो कि कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, न्याय की गुहार लगाए हुए हैं और कई सारी रुकावटें जो हैं वे दूर होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनिमा मिंज के लिए, उनके पेट में जो ट्यूमर है उससे उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं मिस्टर अमित विलियम के लिए, किडनी की बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। हम इन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही उन सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ आध्यात्मिकता में एक होते हुए हमसे जुड़े हैं। जो कोई हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है फ़ोन के ज़रिए, मैसेजेस के द्वारा जो हम तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाते हैं, काउंसलिंग के द्वारा जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबों को भी हम इस वक्त याद करते हैं। जिनका हम नाम नहीं ले पाए उन सबको भी हम याद करते हुए उनके सभी निवेदनों को, उनके सभी प्रार्थनाओं, याचनाओं को, आंसुओं को प्रभु की ओर उठाते हुए इस वक्त हम प्रभु की जोर से स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है एक धर्मी जन की जो प्रार्थना वह लोभान की तरह, सुगंधित लोभान की तरह स्वर्ग में उठा ली जाती है, उसी वक्त की तरह प्रभु जी इस वक्त हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी याचनाओं को हम तेरी ओर उठा ले, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर प्रभु जी, हमारे सारे इंटेंशन को, हमारे सभी मतलबों को प्रभु जी इस वक्त आप शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने पवित्र लहू से प्रभु जी इस वक्त हमें शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारी प्रार्थनाएं तुझे सुग्राह्य होने पाए, तुझे स्वीकार होने पाए प्रभु जी। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे। जिस तरह से रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9 कहता है, प्रभु यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है। हम बोले आमीन। आमीन। हम सभी बोले प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू मुझे धर्मी ठहराता है, मुझे धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू मुझे पवित्र बनाता है, मुझे पवित्र बनाता है। प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू मेरे सारे पापों को क्षमा करता है, मेरे सारे पापों को क्षमा करता है। जी हाँ विश्वासियों, हम तो अधर्मी ही हैं, हम तो पापी ही हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि अगर तुम प्रभु यीशु के लहू में बचाए गए हो तो तुम एक धर्मी हो, तुम एक पवित्र व्यक्ति हो। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, स्तोत्रकार कहता है कि तुम प्रभु के पवित्र वस्त्रों को पहनकर उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, क्योंकि वही इसके योग्य है। इस वक्त हम उस पवित्र वस्त्र को पहने, पवित्र लहू के आवरण को हम पहने, अपने ऊपर उसे ओढ़ लें, ताकि हम धर्मी ठहराए जाए, हम पवित्र ठहराए जाए। इस वचन की योग्यता से पवित्र लहू को क्लेम करते हुए प्रार्थना करते हैं एमाइन लुडविक के लिए, पेट से संबंधित बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। लुडविक कार्लो के लिए हम प्रार्थना करें, स्किन डिजीज से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं ग्लोरिया,
और रोमारियों के लिए उनके आर्थिक संकट में प्रभु उनकी सहायता करें। साथ ही हम प्रार्थना करें ग्लोरिया के लिए, उनके पति जो कि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अच्छी तरह से जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ताकि उनका न्याय हो, ताकि प्रभु जी उनके जो लोग उनके अधिकारी हैं उन पर दया करें। साथ ही हम प्रार्थना करें पंकज टोप्पो के लिए, लीवर की बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। हम साथ ही इस वक्त उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम तक अपनी प्रार्थनाओं को ना सिर्फ भेजा लेकिन समय समय पर उन्होंने अपडेट करते हुए जिन लोगों की प्रार्थनाएं सुनवाई हुई है उन लोगों की गवाहियों को भी प्रभु जी हम तेरी ओर उठाते हुए तेरी स्तुति करते तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। इस वक्त हम अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति करते हुए क्लेम करते हुए उसकी आराधना प्रभु जी तेरी आराधना करते हुए उस पर विश्वास करते हुए प्रभु जी तेरी आराधना करते हुए थैंक यू जीसस हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए प्रभु जी। क्षमा दे प्रभु मुझ में प्यार भर दे, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु मुझ में प्यार भर दे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे।